आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आज तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे अब। तीनों ही दिग्गज ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं, अपने आप में मार्केट लीडर हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और जो भी इनका जो मार्केट सेगमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। स्टॉक्स कंपनीज जो हैं वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंथ रखती हैं, मार्केट में काफ़ी डेप्थ है इनकी, और इन तीनों स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये तीनों स्टॉक हैं मारुति सुजुकी, नंबर टू हीरो मोटोकॉर्प और नंबर तीन बजाज ऑटो। इन तीनों के टेक्निकल चार्ट हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या लेबल्स हैं इनके टेक्निकल। सबसे पहले मारुति की लेबल्स देखते हैं। बहुत ऊपर से गिरना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट ये अपने टॉप से, जिसने कि अगेन आप देखेंगे इस चार्ट में भी डबल टॉप फॉर्मेशन किया था। आप देखेंगे देखिए चार्ट, अगर आपने रीडिंग सीखी तो आपको पता चल जाएगा कि अगर डबल टॉप ब्रेक नहीं हो पाया और नीचे चला गया स्टॉक, तो फिर डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद डबल बॉटम बनेगा। डबल बॉटम कहाँ बनता है? डबल बॉटम वहाँ बनता है जहाँ सबसे बड़ा बॉटम बना हुआ है। अब आप कहाँ पर डबल बॉटम बना रहा है ये आप देखने वाली बात है। अब यहाँ पर ये डबल टॉप बना एंड इसके बाद डबल बॉटम इधर यहाँ बनाता है ये, लेकिन इसने यहाँ पर नहीं बनाया, एक बॉटम ये बना था, इस बॉटम को ब्रेक कर दिया इसने। तो नेक्स्ट इसे नीचे आप लिटिल बिट आप और देख सकते हैं, दिस वन 7160 से 7200 का लेवल, यानी कि 7160 से 7200 की रेंज का इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं। और वीकली चार्ट पे अगर हम बात करते हैं इसके दोस्तों, सो वीकली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट लगभग अगर मैं देखूंगा तो 7120 की, तो आप एक अगर एक लमसम मान के चलिए तो 7100 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली और डेली सपोर्ट लेवल है। यानी कि अगर इसमें और ज़्यादा गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा 100-150 पॉइंट की ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट मारुति के अंदर मुझे दिखती है, वहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए, अदरवाइज़ फिर बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक 7100 से नीचे चला गया तो फिर मुझे 6700 लेवल इस स्टॉक में देखने को मिलते हैं। खैर वो तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगती हैं, अभी फिलहाल 7160 या 7200 के आसपास से स्टॉक में रिवर्सल की हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर नहीं आता है 7100 के नीचे तो फिर ये अपमूव शुरू करेगा, अदरवाइज आप लोग रेडी रहिए 6700-6800 के लिए मारुति के अंदर। तो ये मारुति के लेवल्स हैं और इसका रेजिस्टेंस लेवल तो आप सभी को पता है कि फर्स्ट इसका जो रहेगा रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल 7700 के आसपास रहेगा। एक बार 7750 के आसपास की क्लोजिंग देगा, देन उसके बाद वो 8100 का उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो जो लेवल्स है वो आप नोट करते चलिएगा। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प कहाँ तक जाएगा? देखिए अभी स्टॉक ने अपना हाई टच किया था तकरीबन 4100 रुपीज़ का, लगभग 4 सितंबर 2017 को। और देखिए सभी स्टॉक जब चले थे पिछले लास्ट सितंबर से लेके जनवरी तक, उस वक्त स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप सभी तेज़ी के दौर में थे, बट आफ्टर बजट सेशन 1 फरवरी के बाद सभी में गिरावट का दौर शुरू हुआ था, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई थी। सो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के चलते सभी स्टॉक ने वहाँ से अपने लोअर लेवल दिखाने शुरू किए। और यहाँ पर मुझे हीरो मोटोकॉर्प में 2850 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। 2850 विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अगर वो टूटा देन उसके बाद जो सपोर्ट लेवल का जो नेक्स्ट मेंटेन करेगा वो तकरीबन 2700 के आसपास करेगा। तो फिलहाल हम लोग 2850 का स्टॉप लॉस बनाते हैं। 2850 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट लेवल, वो ब्रेक होता था देन 2720 के आसपास इसका नेक्स्ट सेकंड सपोर्ट रहेगा। बट जिन लोगों के पास पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एवरेजिंग डाउन करने का अवसर मिल रहा है। आप जब भी गिरावट मिले 2700 तक भी अगर स्टॉक आता है तो आप वहाँ पर एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। छोटी अवधि के निवेशक जो 2-4 दिन हफ्ते भर के लिए निवेश किए हुए हैं या जिन्होंने मार्जिन पर ट्रेड उठाई है वो लोग निकल जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बजाज ऑटो में भी देखिए जो लेबल्स बनेंगे वो लगभग 2600 के बनेंगे, 2687 का रेंज चल रहा है। 2600 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूटता है देन 2520 की रेंज के आसपास हमें बजाज ऑटो देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी सभी स्टॉक्स में हमें आने वाले दिनों में वीकनेस देखने को मिलेगी, तेज़ी की उम्मीद कम नज़र आती है, गिरावट की उम्मीद ज़्यादा नज़र आती है। तो कहते हैं कि जिस तरफ ट्रेंड इंडिकेशन दे रहा है तो बेटर ये है कि अभी केवल हम जस्ट वेट एंड वॉच की पॉलिसी अप्लाई करें, और अगर आप वेट एंड वॉच करेंगे तो आपको अच्छे लेबल्स मिलेंगे आने वाले दिनों में। बट फिलहाल ओवरऑल मार्केट तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने तक काफ़ी प्रेशर में रह सकता है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हैं।
तो आप जल्दीबाजी में कोई ट्रेड मत उठाइएगा, आराम से देखिएगा समझिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। सो गाइस, ये हमने बात की मारुति सुजुकी के बारे में, हीरो मोटो कॉर्प के बारे में और बजाज ऑटो के बारे में। तीनों ही दिग्गज कंपनीज हैं जिनके पास हायर लेवल पर होल्डिंग्स हैं, वो डरे नहीं, लोअर लेवल्स आते हैं देन एवरेजिंग डाउन करें, स्टॉक को 12 से 18 महीने के लिए होल्ड पोजिशन पर डालें, स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न देंगे। प्रीवियस हाई को भी ये स्टॉक्स अपने ब्रेक करने के पूरे पूरे मात्रा और पोटेंशियल रखते हैं। सो गाइज, ये स्टॉक हमने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आप लोग इन स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस कीजिएगा और अपनी प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही जो भी आपका अच्छा डिसीजन हो, बेस्ट डिसीजन हो आपके हित में, वो लीजिएगा, जिससे आपका पैसा सेव हो सके, आपकी कैपिटल बच सके और आपको प्रॉफिट भी मिल सके। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे हम लोग फिर कुछ नए स्टॉक रिव्यू के साथ, तब तक के लिए आप लोग इन तीन स्टॉक पर फोकस जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।